स्वागत है ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे हैं यमुनानगर की प्रोफेसर कॉलोनी की, जहां पर कन्या भ्रूण हत्या के लिए जांच के लिए वहां पर छापा मारा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड मशीन मिली है जिसे सील कर दिया गया है। इस कोठी में कई अन्य जिलों से भी महिलाएं पहुंचती थी और लिंग जांच करवाई जाती थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं सीएमओ डॉक्टर नीरज बसी से। जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच वन में। और हम ये आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि जैसे कि यमुनानगर के प्रोफेसर कॉलोनी की एक कोठी में, एक पॉश इलाका है जहां पर ये अवैध इलीगल काम हो रहा था, बहुत ही घिनौना कार्य हो रहा था, कन्या भ्रूण लिंग जांच की जा रही थी। ऐसे में क्योंकि बहुत समय से ये खबरें पहुंच रही थी, स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ छापा मारा है, तो किस तरह से आपके पास ये खबर आई और आपने ये कदम उठाया? पहले तो मैडम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी पोस्ट जो है डिप्टी सीएमओ की है, सीएमओ डॉक्टर डी के शर्मा है, मैं डिप्टी सिविल सर्जन हूँ पीएनडीटी का। जी ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरे को बहुत दिन से ये खबर थी कि यहाँ पर लिंग जांच की जा रही है किसी एक जगह के ऊपर। अब वो जगह मुझे मालूम नहीं थी कि किस जगह पे ये लिंग जांच की जा रही है, तो मैंने अपना एक पेशेंट जो फर्जी बना के मार्केट में छोड़ दिया जी। और मैंने ये बात फैला दी कि उसको लिंग जांच करनी है, तो एक एजेंट ने उसके साथ लिंक कर लिया और उससे उन्होंने 10,000 रुपए मांग लिए कि आप 10,000 रुपए जमा कर दो, हम आपकी लिंक जांच करवा देंगे। तो वो 10,000 रुपए मैंने सरकारी फंड से निकाल के उस पेशेंट को दे दिए, उससे वो जमा कर दिए एजेंट को। तो ये 10 दिन पहले की बात है और एजेंट ने हमें टाइम देता रहा, 2 दिन बाद करूंगा, कल करवाऊंगा, इस तरह करते करते 10 दिन निकाल दिए और कल फिर उसने हमें फाइनल टाइम दे दिया कि आपको शाम को 7 बजे आपका लिंग जांच करवा दूंगा। जी तो उसने हमें एक होटल के बाहर खड़ा करवा दिया पेशेंट को, और मैं दूर था पेशेंट से, और हम उसको पेशेंट जहां मेरी खड़ी थी वहां पर 3 पेशेंट और आ गए। इसका मतलब है वो एक कलेक्टिंग प्वाइंट था जहां से वो पेशेंट्स को लेते थे। फिर उन्होंने उन पेशेंट्स को एक ऑटो रिक्शा में बिठाया, एक लड़की आई स्कूटी के ऊपर और उन लोगों ने फिर उसको यहाँ सिविल हॉस्पिटल के पास सामने ऑटो रिक्शा से उतार लिया और प्रोफेसर कॉलोनी की तरफ वो पैदल चल पड़े। मुझे ये दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि कॉलोनी में इतने अच्छे एरिया में भी कोई ऐसा काम हो सकता है, तो मैं उनके पीछे चल पड़ा और वो एक घर में घुस गए। जिस घर में वो घुसे उसके 10 मिनट के बाद उनके घुसने के मैंने उसमें रेड किया, तो जितने में मैंने पीसीआर और पुलिस पार्टी बुला ली थी और हमने वहाँ, हैरानी वाली बात है कि वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन लगी थी और 3 पेशेंट हमें मिले, 2 लेडी डॉक्टर्स, एक मुलाना से, एक 2 सड़का से एक मरीज लेके आई हुई थी वहाँ पर लिंग जांच करवाने के लिए, और एक 2 लड़कियाँ जो ये दलाली का काम करती हैं वो मिली जो मरीज लेके आती हैं, और 2 पेशेंट्स हमें मिले वहाँ पर जो डॉक्टर लेके आई थी, एक पेशेंट और थी जो इनके अलावा वहाँ पर 7 लोग हमें मिले जो इस काम में वहाँ पर मशगूल थे जी। और ये और फिर इस बात की मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर ने और सिविल सर्जन यमुनानगर ने हर 5 मिनट के बाद मेरे को सपोर्ट किया और मतलब मेरे साथ उन्होंने पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और पुलिस सपोर्ट दी रहा जी। जिस तरह से वहां पर ये 2 महिला डॉक्टर और 1 पुरुष डॉक्टर मिले हैं, तो अब ऐसे में पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी उनके ऊपर, लेकिन इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट अब किस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर करेगा? रिक्वेस्ट दे दी थी क्योंकि एसपी साहब ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने पुलिस की बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट दी मुझे रात को, तो मैंने रात को मशीन जो इलीगल थी उसको सील करके पुलिस के हवाले कर दिया था, और जो 7 एक्यूज लेडीज थी और वो डॉक्टर जिसका घर था उनको हमने पुलिस में दे दिया था, एफआईआर लॉन्च करवा दी थी उनके खिलाफ, और वो कोर्ट में डॉक्टर जो था अभी उसकी बेल एप्लीकेशन लगी थी और सीडीएम साहब ने डिनाय कर दी है और अब वो पुलिस रिमांड पे है। अब ये इन्वेस्टिगेशन होएगी तो पता लगेगा कि ये नेक्सस, क्योंकि वो जो पेशेंट्स थे वो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा काम था इस वक्त का कि दूर दूर से मरीज इसको आते थे और वो जो लेडी डॉक्टर्स लेके आती थी वो पहले यहाँ लड़का लड़की टेस्ट करवाती थी और फिर घर जाके अगर लड़की होती थी तो अबॉर्शन करती थी उनका, ये धंधा चल रहा था जी। जी डॉक्टर नीरज, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ये डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, इसमें यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके लाइसेंस जब्त कर दिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे, और क्या कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रावधान है इस तरह का, ताकि और जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो इस तरह के कार्यों में संलिप्त ना हो सके? जी मैडम, ऐसे है कि मैं अगले पिछले 6 महीने से ये काम कर रहा हूँ और मैंने मतलब इस तरीके की कार्रवाई करी है कि शायद यमुनानगर में काफी हद तक ये चीज कंट्रोल हो गई है,
अगर कानून ये है कि अगर ये कन्विक्ट हो जाते हैं कोर्ट से और फिर हम इनकी काउंसिल्स को, अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं बीएमएस हैं तो आयुर्वेदिक काउंसिल को, अगर एमबीबीएस हैं तो मेडिकल काउंसिल को हम लिख देंगे और इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की रिक्वेस्ट कर देंगे ताकि ये कभी भी प्रैक्टिस ना कर पाए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमएचवी न्यूज से बात करने के लिए। हम आपको बधाई भी देते हैं और सराहना भी करते हैं कि आपने इतने बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें एक बार फिर कि यमुनानगर की प्रोफेसर कॉलोनी के कोठी में सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर चलाया जा रहा था, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये सूचना पाई और वहां पर गई तो वहां पर मौके से 4 महिलाओं के अलावा 3 डॉक्टर्स भी मिले। और हमारे साथ जिला सचिव रेड क्रॉस के श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं। जी श्याम सुंदर जी, आपका मिश्रण में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से मामला सामने आया है यमुनानगर की प्रोफेसर कॉलोनी में, कोठी में सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर चलाया जा रहा था और वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है, वहां पर डॉक्टर्स भी मिले हैं और मरीज भी मिले हैं, मरीज नहीं कह सकते उनको, हम ये कह सकते हैं कि वो आरोपी मिले हैं, तो ठीक है, इसमें अब आपका क्या कहना है? जानते हैं जी। और हमने कन्याओं के सम्मान के लिए बेटी के जन्म पे कुआ पूजन शुरू किया भिवानी में, 8वां फेरा किया, एक लड़की को घोड़ी पे भी चढ़ाया था, आपको याद हो, सम्मान करने के लिए जी। अगर इस प्रकार से कन्याओं का वध होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि संत हो चाहे राजा हो चाहे रंक हो, एक बेटी के जन्म लेता है। अगर कन्या इस दुनिया में नहीं होगी, चाहे वो कहीं भी मारी जा रही हो, चाहे अल्ट्रासाउंड केंद्र पे चेक करके या घर पे, ये पहला केस नहीं है, 3 केस हो चुके हैं इससे पहले, मस्ताना के उसमें भी हुआ था, एक अन्य हॉस्पिटल में भी हुआ था, और ये 3रा केस मुझे देर रात पता लगा। मैं एक हॉस्पिटल में, कल कोई दुर्घटना घट गई थी तो मैं वहाँ ट्रामा सेंटर में था, तो देर रात मुझे पता लगा 11:30 पे कैसा कुछ हुआ है। तो ये बहुत बड़ा पाप है। और हमने यमुनानगर में, 7 महीने हुए मुझे, 26,000 युवाओं से हमने बात की, कॉलेजेस में जाके उन नर्सिस से मिला हूं मैं, जो जहां जहां नौकरी कर रही हैं, कि कन्या का वध जहां होता है उसको रोका जाना चाहिए, आप लोगों के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये हो रहा है तो पाप है, और इस पाप को कैसे हम निगल सकते हैं ये देखने वाला विषय है। जी जी श्याम सुंदर जी, अब की जैसे आप बता रहे हैं कि यमुनानगर के अंदर ही ये 3रा इतना बड़ा खुलासा हुआ है, इतना बड़ा मामला सामने आया है, और जबकि वो एक ऐसे इलाके में था जहां, जिसे पॉश कॉलोनी कहा जाता है, और छोटे मोटे कहीं जगह पर छुपकर भी ये काम होते होंगे, आप ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, मैं ये जो अल्ट्रासाउंड के तौर पे छापा मारते हैं या इन चीजों पे, ये मेरा माइंड नहीं चलता। मेरा मानना ये है, यदि हम जन्म के साथ ही महिला को सम्मान दें, क्योंकि इसमें 3 लोग मैडम शामिल होते हैं, एक तो करवाने वाला, एक करने वाला और एक परिवार का व्यक्ति, तो जब घर का वेदी ही लंका ढाएगा तो उसको पकड़ेगा कौन? तो आपकी संस्था इसमें किस तरह से कदम उठाएगी? देखिए मैडम, हम लोग, मैं बता रहा हूँ ना, अभी तक मैंने 3,000 लड़के लड़कियां कॉलेजेस के अपने मेंबर बनाए हैं जी, जो पूरे शहर में जाके ये देखते हैं, गांव में जाके देखते हैं, हमारे जिले की जितनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, एएनएम है, उनसे मैं व्यक्तिगत तौर से जाके मिला हूँ, पीवाईसीडीएस मैडम को साथ लेके, क्योंकि गांव से कोई भी महिला चलेगी तो आंगनवाड़ी वर्कर को, उनको बहुत नॉलेज होती है इस बात की, आशा वर्कर को भी नॉलेज होती है, एएनएम को नॉलेज होती है, तो इन इनके साथ तो हमने काम शुरू कर दिया। उसके अलावा कॉलेज के जो यूथ है उसको अपना मेंबर बनाया है कि कोई भी महिला गांव से चले या शहर से चले, अल्ट्रासाउंड केंद्र तक जाए, पहले देखो उसको एक लड़की है या 2 लड़की है, फिर नेटवर्क तो बन गया है, और उस टीम का यही असर है कि आप देख रहे हैं कि वो काम शुरू हो चुका है, जो हमने एक अच्छा नेटवर्क बनाया था वो काम कर रहा है अपने स्तर पे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरा मानना ये है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे अल्ट्रासाउंड मशीनें आ गई हैं, मैंने सुना है विदेश में ऐसा है, तो ये जांच करना, चेक करना, यही सब कुछ नहीं है, व्यक्ति का जो विचार है उसको हमें लगता है चेंज करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ 26,000 लड़कों ने ये कसम उठाया है कि जीवन पर्यंत वो कभी भी कन्या नहीं मारेंगे, 2 दहेज नहीं लेंगे, 3 वो हेलमेट सर पे पहनेंगे, तो 3 लोगों ने ये
संकल्प दोहराया है, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, बड़े मतलब 2 से 3 साल बाद जब इनकी शादी होगी, तो यही युवा आगे जाके कन्या को मरने से रोकेंगे और शादी के मंडप पे संकल्प लेंगे। तो हम इस ओर काम कर रहे हैं, सामाजिक जो बदलाव है वो काम कर रहे हैं हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आप इतना बड़ा संकल्प आप ले लिया हुआ है और आप दिलवा भी रहे हैं और इतने बड़े स्तर पर आप दिलवा रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये हमारे साथ थे जिला सचिव रेड क्रॉस से श्याम सुंदर जी। नगर के प्रोफेसर कॉलोनी की एक कोठी में सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक सूचना के आधार पर इस सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जहां से 4 महिलाओं के अलावा 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस कोठी में केवल यमुनानगर ही नहीं बल्कि यमुनानगर से बाहर से यानी कि कई दूसरे जिलों से भी महिलाएं लिंग जांच करवाने आती थीं। स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है, लिंग जांच केंद्र का भंडाफोड़ किया। एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था जो काफी समय से चल रहा था। यमुनानगर की पॉश कॉलोनी प्रोफेसर कॉलोनी है जिसमें ये कार्य हो रहा था। इस कोठी में सेक्स डिटर्मिनेशन केंद्र चलाया जा रहा था, जहां पर लिंग की जांच की जाती थी और लिंग जांच करने के बाद कन्या भ्रूण हत्या लाजमी थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को ये सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपने कुछ फर्जी मरीज बनाकर भेजे, फर्जी ग्राहक बनाकर भेजे और इस तरह से वहां पर 2 डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और 1 पुरुष डॉक्टर वहां पर पाए गए। इसके साथ ही वहां पर 4 महिलाएं थी, जिसमें से 2 महिलाएं मौका देखकर फरार हो गई हैं, जिनकी तलाश कर रही है पुलिस। वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन को पुलिस ने सील कर दिया है और हैरानी करने वाली बात यह है, इसमें हैरत में डालने वाली बात यह है कि न केवल इस लिंग जांच केंद्र में यमुनानगर से ही महिलाएं पहुंचती थीं, बल्कि यमुनानगर के बाहर अन्य कई जिलों से भी महिलाएं यहां लिंग जांच केंद्र में आती थीं, लिंग जांच परीक्षण करवाने आती थीं और ये यहां पर गोरख धंधा काफी समय से फल फूल रहा था। आस पड़ोस वालों को भी इसकी भनक नहीं लग रही थी, लेकिन अब जबकि स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर छापा मारा है तो यहां पर 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है जो इस काम में लगे हुए थे। कन्या भ्रूण हत्या वाकई एक पाप है, हम सब लोग इस चीज को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इससे अछूते रह जाते हैं। लेकिन क्या किसी ने यह दर्द समझा है कि वो भ्रूण जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया, जो अभी बाहर भी इस संसार में नहीं आया, उसके भी शायद कुछ सपने हो? कुछ कविता में इस तरह ही बताया गया है। हम तक पहुंची है कविता जिसमें कन्या भ्रूण हत्या के लिए ये कविता पहुंचाई है और इसमें ये बताने की कोशिश की है कि एक भ्रूण जो अभी गर्भ में है और वो बाहर आने के लिए क्या क्या सोचता है अपने माता पिता के लिए। कल शाम तुम आए थे मैंने देखा था, हर बात पर मुस्कुराए थे मैंने देखा था, कदमों की आहट से दिल में हलचल हुई थी, मुझ पर ठहरी हुई तुम्हारी नजर से मैं बेकल हुई थी, भागकर तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी मैंने सोचा था, थामकर तुम्हारी उंगली तुम्हारे साथ चलूंगी मैंने सोचा था। माँ ने मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा, उनके खिले हुए चेहरे से तुम्हें समझ आया होगा, पर तुम मुझसे बिना मिले चले गए, तुम्हारे चेहरे का रंग फीका था मैंने देखा था, पर आज माँ भी उदास है, क्यों आज चारों तरफ सन्नाटा है, क्या कोई बात खास है, ये मुझे नींद सी क्यों आ रही है, ये मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, ये कैसा दर्द मेरी नसों में दौड़ा जा रहा है, खुश हूं मैं कि समय आ गया तुमसे मिलने का, तुम्हारे सीने पर सर रखने और बाहों में सोने का, अब मैं चैन की नींद सो जाऊंगी, तुम्हारी बाहों में खुद को महफूज पाऊंगी, लेकिन मेरे सारे सपने एक पल में टूट गए, रिश्ते बनने से पहले ही छूट गए, तुम्हारी मजबूत बाहों की शक्ति कहां गई, देवी माँ भी तो नारी है उसमें भक्ति कहां गई, रात के अंधेरे में तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे, तुम कितने पराए थे मैंने देखा था, माँ की आंख में आंसू थे और मेरी कब्र से वापस जाते हुए तुम एक बार फिर मुस्कुराए थे मैंने देखा था।
फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए एमएचवन न्यूज़।